दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ग्लोबल टेररिज्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद को लेकर अफगानिस्तान, तालिबान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान को लेकर बातचीत की गई। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर दिए बयान पर भी कहा, केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो कहीं तक ठीक है, लेकिन हमारा हिंसा का कोई मतलब नहीं है। सुथरा ठीक बोला है, ये अयोध्या सॉल्व हो गया, विश्वनाथ कॉरिडोर का डेवलपमेंट हो रहा है, तीर्थों का डेवलपमेंट होगा, ऐसे ही आगे मथुरा का भी डेवलपमेंट होगा। और उस डेवलपमेंट के कारण स्वाभाविक रूप से रोटी रोजगार समृद्धि और विकास तेज गति से बढ़ेगा और हर धर्म और दल वाले को और जाति वाले को रोजगार मिलेगा। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा है और ठोक पीट कर कहा है, कोई अनजाने में नहीं कहा है, छुप कर नहीं कहा है। इसलिए ही टॉक्ड ऑफ द डेवलपमेंट, हम उस डेवलपमेंट को डिमोलिश में बदले, ये गलती नहीं करनी चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।